फतेह सब, मैं विक्रम सिंह चौहान, श्री ओम मना साफा शेरवानी हाउस अलवर। आज हम फिर से आपको गजसाई साफा, जो पिछले वीडियो में हमने सिखाया है, पिछले दो से तीन वीडियो में, कि गजसाई जोधपुरी जो साफा है वो कैसे बांधा जाता है, सुरंगे वाला साफा, बड़े आसानी के साथ उसमें भी समझाया है और यहाँ भी हम बड़े आसानी के साथ ही इसको समझाएंगे। इस प्रकार से एक बार साफे को पूरा खोल लेंगे, ऐसे कलप उतार लेनी है इसकी साफे की। खोलने के बाद बड़े आसान ट्रिक्स हमने बताई हैं आपको, हमने बड़ी आसानी के साथ आपको बताया हुआ है। ऐसे ये लेना है, इधर से लेफ्ट हैंड में सुरंगा, इधर लेफ्ट हैंड में इतना छोड़ देना है अपन को, जिससे कि ऊपर करने के काम आई। और बड़े आसानी के साथ हमने आपको बताया था कि इसको नॉक करना है, यूं मुंह में नॉक करने के बाद यहां से लेना, यहां से ऐसे लेके और यहां ऐसे इसको यहां से लॉक करना है, केवल इसकी दिशा बदलनी है और लगातार चार बार इसी के ऊपर से। कैमरामैन से निवेदन है कि आगे से दिखाएं, लगातार चार बार इसी के ऊपर से। देखो यहां आ गया, अपन को यह ध्यान रहे आंख के जस्ट पास से यहां से इसे नॉक करना है। एक अंगूठा यूं लगा रहेगा, ये उंगली लगाई और इसकी केवल दिशा बदलनी है, अभी यूं जा रहा है, अपना हाथ यूं आना चाहिए। ये देखो लगातार चार बार ऐसे कैसे ही यूं जा रहा है, यूं हाथ आना चाहिए, चार बार पांच बार जितनी बार जैसा अपना साफा है, छोटा बड़ा जो भी है। ये देखो इसके बाद साफे को ऐसे कर ले, पट्टियां सुधाई बनती जाती हैं, ये तरीका याद रहे, हल्का सा यहां से ये पकड़ने होता है और ये नोक करने का तरीका आप सीखो। ऐसे बड़े आसानी के साथ गजसाई जोधपुरी साफा बनता है। सबसे ज्यादा राजस्थान में शादी विवाह अन्य मांगलिक अवसरों पर ये वाला साफा, राजस्थान की जो शान है, पहना जाता है। बहुत से भाई ये कहते हैं कि ये पट्टियां नहीं बनती। देखिए यहां जैसा भी आपका आ रहा है, ये ध्यान रहे, यहां जैसा भी आ रहा हो अपन को केवल सही करना होता है, स्वतः ही पट्टियां बन जाती हैं। ये लो, पट्टी बनाने में ज्यादा समस्या नहीं आती, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड जरूर करेगा। अपन को तो यहां नॉक करना और फिर इसको घुमाना ही सीखना है। जैसे ये लास्ट पट्टी है, यदि किसी से नहीं बने तो लास्ट पट्टी में मैं आपको बता रहा हूं कि पट्टियां कैसे बने। ये यहां से अपन ने सही कर लिया और इस प्रकार से अपन यहां से पकड़े, कहीं से भी इन दोनों पल्लों को ऐसे मिला ले। ये लो, नीचे से हल्का सा ऐसे फोल्ड कर ले और पीछे तक पट्टियां स्वतः ही बन जाती हैं। फिर ऐसे पीछे तक फोल्ड किया, अपनी पट्टी बन गई और ये पट्टी पूरे साफे को कवर करती हुई जाएगी। और यहां ये तरीका होता ही है अपना, यहां उठा ऐसा लगा लिया और यूं नॉक किया। अच्छा, पीछे काफियों से ये वाली जो पीछे लॉक करते हैं गांठ नहीं बनती है। दो तरीके इसके, करीब से दिखाएं आप। एक तरीका तो ये होता है, ये लिया और जो सुरंगा अपना नीचे है, इस सुरंगे को जो अपना आ रहा है उसमें से यूं यूं लॉक कर देंगे। दूसरा तरीका इसका है, ऐसे अपन नहीं कर सकते तो इसका दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका इसका यह है। ये देखो ये ऐसे कैसे आ रहा है, नीचे वाले को यूं ले करके और यूं नीचे से ऊपर कर दिया, ये हो गया। लो, आप सभी से एक निवेदन और है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, देखने के बाद पूरा देखिए वीडियो, सब्सक्राइब करें। इससे क्या है कि जब भी वीडियो हम डालेंगे, नई वीडियो आपके पास आएंगी और बड़े आसानी के साथ आप दो से तीन दिन में साफा बांधना सीख जाएंगे। इसका तरीका यह, जितना भी ऊंचा बच रहा होता है, जितना भी ये सुरंगा बच रहा है,
एक उंगली यू की और दूसरी उंगली से अपन ऐसे 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 नीचे किए जाते हैं। अंत में आप कहोगे आपकी सब सर नहीं ढका है, सर ढकने के लिए क्या करना होता है, जहां से भी आप देखें कहीं से भी आपको हाथ आए वहीं से आपने इसे यू कर देना है और ये आपका सर बिल्कुल कवर है, आपका गज्जा इसाफा बिल्कुल बन करके तैयार है, जोधपुरी गज्जा इसाफा। एक बार आप सेवा का मौका अवश्य दें, श्री ओमना साफा शेरवानी हाउस अलवर। अपने यहाँ सभी शादी विवाह आदि में तसल्लीपूर्वक कार्य किया जाता है, साफे बांधे भी जाते हैं, शेरवानी साफे जोधपुरी सूट सब कुछ मिलता है। एक बार आपसे निवेदन है कि सब कुछ दिखाएं इनको। अंदर ग्लैड